इस बार इतने कम बच्चे। हाँ, इस बार मामला ज्यादा टाइट रहा। अगली बार आपको बच्चे ज्यादा मिलेंगे। माल पूरा है ना? हाँ, पूरा है। आज से तो ये सारे काम बंद करने पड़ेंगे। तू हमें रोकने आ गया और वो भी अकेला। काम तो मैं ज़रूर करूँगा, उसके लिए मुझे चाहे तेरी जान क्यों ना लेनी पड़े। बड़ा भाई है मेरा, आज के बाद छूने से पहले सोच लियो। मैनेजर साहब, कल से बच्चे स्कूल जाएंगे। उसने हमारा धंधा चौपट कर दिया, आपने उसको कुछ भी नहीं कहा। जवाब दीजिए, आप कुछ क्यों नहीं करते उसके खिलाफ? ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। सब्र करो मेरे बच्चों, टाइम आने पर मैं उसका खुद इलाज कर दूंगा। संभाल भाई अपने आप को। भाई उस ट्रक का पता लगा कुछ? चाचा जी पता लगा रहे हैं उस ट्रक के बारे में। बेटा, मुझे तुम दोनों से एक बात करनी थी। मौका तो नहीं है कहने का, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ। बोलिए चाचा जी, क्या बात कहनी है आपको? आप दोनों भाई इस बिजनेस को कैसे संभालोगे? क्यों चाचा जी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है हम दोनों का कारोबार संभालने में? तुम्हारे पापा के जाने के बाद और गैंग वाले हमारे दुश्मन हो गए। वो हमसे हमारा कारोबार छीनने की कोशिश करेंगे और तुम दोनों को कोई तजर्बा भी नहीं है, कैसे बचाओगे अपना कारोबार? चाचा जी, साथ की बात तो ऐसी है, जब हम दोनों भाई साथ हैं तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर रही बात तजुर्बे की, तो आपने आज तक पापा का साथ दिया है, आज के बाद आप हमारा साथ दोगे। भाई मुझे चाचा जी ने बुलाया। अच्छा ठीक है, तू जा। चाचा जी आपने बुलाया? हाँ भतीजे, बैठो। और भतीजे क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है चाचा जी, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। कहाँ ठीक चल रहा है, सुना है तेरे बड़े भाई ने प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है। चाचा जी, मुझे तो भैया ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा तो बताना फर्ज था बेटा, जो मैंने तुझे बता दिया। ठीक है तो चाचा जी, मैं चलता हूँ। बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो बोलना, तेरा चाचा जिंदा है अभी। ठीक है चाचा। मैं ऐसी आग लगाऊंगा, दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। जब मैंने इनके बाप को नहीं छोड़ा तो ये क्या चीज है। भाई आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछ। भाई मैंने सुना है आपने प्रॉपर्टी सारी अपने नाम करा ली। हाँ, पापा की मर्जी थी। क्यों भतीजे, हो गया ना मेरी बात पे यकीन? अब जैसा मैं कहता हूं तू बस वैसा कर।
वो मुझे जरा 5 लाख रुपए की जरूरत है। 5 लाख रुपए? वो किस लिए चाहिए? कुछ काम है। अरे तो क्या काम है? हर बात बतानी जरूरी नहीं होती। पैसे मेरे भी हैं और इन पैसों पे मेरा भी आ गया। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था यार। तुम्हारे मतलब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। पैसे रखे हैं, मैं लेके जा रहा हूँ। मैं सिर्फ बताने आया था। क्या है ये? ये प्रॉपर्टी के पेपर है जिसमें लिखा है कि आज से आधी प्रॉपर्टी मेरी। अच्छा तो बात अब यहाँ तक आ गई, तू प्रॉपर्टी बांटेगा? बांट नहीं रहा हूँ, अपना हक मांग रहा हूँ जो तुम्हारे पास। ठीक है तो तुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ले रख। देख आज मेरा दिमाग बहुत खराब है, रास्ते से हट जा मेरे। इतना गुस्सा? अभी तो तेरे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। चाचा जी आप तो, इसका मतलब आप इन दोनों से मिले हुए हो? सब इन्होंने किया है तेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। तू गुस्से में इतना अंधा हो गया कि तूने पेपर ही नहीं पढ़ा, और तेरा भाई भी जिस बात में इतना अंधा हो गया, उसने भी पेपर नहीं पढ़ा और साइन कर दिए। बातों में टाइम खराब मत करो, जल्दी मारो उसको। कैसे आ गया? गेम खेलनी बस तुम्हें आती है चाचा जी? भाई पता चला है तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी प्रॉपर्टी के कागज तैयार करा लिए हैं, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहते हैं। अच्छा इसका मतलब वो आस्तीन का सांप चाचा जी हैं? जी। भाई बोलो तो उड़ा दूं चाचा जी को? नहीं अभी होने दो जो चाहते हैं, आखिर पता तो चले इनके साथ इस खेल में कौन कौन है। भाई बोलो तो उड़ा दूं चाचा जी को? नहीं, पापा ने मुझे रिश्तों की इज्जत करना सिखाया, पहली और आखिरी बार छोड़ रहा हूँ। आज के बाद अगर शहर में दिखाई दे तो बिना पूछे गोली मार देना।